दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल संजीव मिश्रा पर। सिकंदराबाद। दोस्तों, सिकंदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले में स्थित एक नगर है। ये प्रांतीय राजधानी हैदराबाद के समीप ही अवस्थित है और इसका जुड़वा शहर माना जाता है। तो आइए जानते हैं सिकंदराबाद शहर के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, सिकंदराबाद दक्षिण भारत का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 65 वर्ग किलोमीटर का है। सिकंदराबाद तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़क मार्ग में यहाँ से आस पास के कई शहरों के लिए बस सेवा उपलब्ध है, तो वहीं रेल मार्ग में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन यहाँ का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। वायु मार्ग में यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा हैदराबाद में है, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की है। सिकंदराबाद का नाम आसफ जाही वंश के तीसरे निजाम सिकंदर जाह के नाम पर रखा गया था। सिकंदराबाद की एक समृद्ध संस्कृति पृष्ठभूमि है, क्योंकि आपको मूल निवासियों के अलावा कई समुदायों का घर यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, सिकंदराबाद में एंग्लो इंडियन और पारसी भी रहते हैं। अपने शासन के दौरान प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों द्वारा विकसित किए जाने के कारण शहर की इमारतें और लोगों की जीवन शैली अंग्रेजों से काफी प्रभावित है। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ बड़े सैन्य प्रतिष्ठान बनाए गए। सिकंदराबाद में घूमने हेतु कई सारे शानदार जगह हैं, जिनमें मुख्य रूप से गोलकोंडा किला, हुसैन सागर लेक, कोना सीमा, बिरला मंदिर, त्रिमूल घेरी किला, बिरला प्लानिटेरियम इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों, बात अगर डेमोग्राफी की करें तो मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिकंदराबाद की कुल जनसंख्या 213,698 है। सिकंदराबाद शहर का लिंगानुपात 919 महिला प्रति 1000 पुरुष। वहीं सिकंदराबाद का लिटरेसी रेट 85.07% है, जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर 89.25% और पुरुषों की साक्षरता दर 80.51% है। सिकंदराबाद में बोले जाने वाली मुख्य भाषा तेलुगु है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलग अलग इतिहास और संस्कृति है। सिकंदराबाद 1948 तक सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन विकसित हुआ था और हैदराबाद निजाम की रियासत हैदराबाद स्टेट की राजधानी के रूप में जाना जाता था। भारत में सबसे बड़ी छावनी में से एक होने के नाते सिकंदराबाद में सेना और वायुसेना के कर्मियों की एक अच्छी खासी उपस्थिति मौजूद है। दोस्तों, सिकंदराबाद की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से विभिन्न छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों पर निर्भर है, जिन्होंने इस शहर में आधार पाया है, और कई सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां भी हैं जिन्होंने युवाओं के लिए रोजगार सृजित किए हैं। सिकंदराबाद में मुख्य औद्योगिक क्षेत्र बोलरम, मौला अली, नाचराम, घाट केसर, उप्पल इत्यादि हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाइयां, जिनमें अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय AMD, परमाणु ईंधन परिसर NFC, ECIL आदि शामिल हैं, जो कि सिकंदराबाद के पास में ही अवस्थित है। सिकंदराबाद में IT कंपनियों में ITC, इंफोसिस, महिंद्रा सत्यम और कोरोमंडल इंटरनेशनल शामिल हैं। ये निजी कंपनियां हैं जिनके कार्यालय सिकंदराबाद में अवस्थित हैं। दोस्तों, खनन से तेलंगाना में आर्थिक विकास हुआ है। खनन के परिणाम स्वरूप अवसंरचनात्मक विकास हुआ है और औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। सिकंदराबाद में सतत कृषि केंद्र, स्थानीय रूप से अनुकूलित कृषि प्रणालियों और कृषि पद्धतियों के प्रचार और विकास में मौजूद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सिकंदराबाद शहर के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।